अगर कोई आदमी जो है उसने प्रैक्टिस नहीं किया, सिविल में कटोरे हुआ या उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा मतलब है कि जल पहला लॉ डिपार्टमेंट पीपी लावे था तो वे जजेज को भी पूछे था और बार को भी पूछे था कि कौन आदमी सूटेबल है। अच्छा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वास्ते क्रिमिनल लायर हो, यानी उसमें क्रिमिनल उसको ले केसेस ठीक ठाक होना चाहिए और उसकी 10 साल तो ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छो इंसाफ कर सके। सही है जी। चलो कुछ निजी आ जाए क्योंकि इसके ऊपर थोड़ो लोगों वास्ते और तरह को एक टॉपिक है कि भाई इसमें की है तम अपनों दसो कि पट्टी साहब जड़ा है वे किन चीज़ों ना पसंद करें, म्यूजिक मा गोजरी ना अपना कल्चर ना। राई साहब मेरा यो मनो है कि जड़ा लोग अपनी जबान ना भूल जाए, अपना कल्चर ना भूल जाए, और मैं मेरा ना एक बॉडी गार्ड तो PSO तो मेरे कठुआ को रंजीत सिंह, मैं उसने या क्योंकि तू मेरा ना डोगरी बोलिया कर। अच्छा। और वो डोगरी नहीं तो बोले मेरे ना। मैं उसने कहा तू डॉक्टर करण सिंह ने जाना है, उन्हें क्यों डॉक्टर करण सिंह नहीं जानते। मैं कहा डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा आदमी है और वो डोगरी बोले। सही है। मैं उसने कहा तू अपनी जबान में मेरा ना गल करे कर। जो लोग इन्फर्टी कम्प्लेक्स का शिकार हैं वे को दूसरी जबान बोलना शुरू करेगा, जबकि हर आदमी ना अपनी माँ चंगी लगनी चाहिए। सही है। अगर तुम अपनी माँ ना कहेंगे ये मेरी माँ चंगी नहीं, दूजा की माँ ने अच्छा कपड़ा लाया माँ वह बड़ी चंगी है, तो तुम इन्फर्टी कम्प्लेक्स का शिकार है या तुम उतना शोर नहीं रखता। मेरा मतलब यह है कि आज बिना कई बार बिना या बड़ी तकलीफ है कि जरा लोग अपनी जबान भूल जाए, अपना कल्चर ना भूल जाए, अपने अपना उसने भूल जाए। अगर तुम अपनी जबान अपनी कल्चर संभाल कर रखेगा तो थारी जड़ी है वह आइडेंटिटी शिनाख्त जड़ी है वह बरकरार रहेगी। वरना थारी एक 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 इससे क्या चलता है, एक वाक्य सुनाऊँ कि मारो एक रजौरी को अफसर है, वे दो मियाँ बीवी उर्दू में गल कर रहा था, हूँ उसको ना नहीं लेना चाहूँगा, तो मैं जान गया क्योंकि मैंने कहा ये परजाई और यूपी तू हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये जम्मू तू है, तो मैं कहता उर्दू क्यों बोले रसोई में भी तुम उर्दू बोले है नहीं नहीं मुना उसने क्योंकि जनाब हम अफसर हो गया जरा गोजरी चंगी नहीं लगती लोग ऐसे। तो मीना मसूद चौधरी साहब को रेफरेंस देना पैगो कि मसूद चौधरी साहब राइट फ्रॉम जब वे DSP भर्ती होया था, अगर बड़ा तो बड़ा आदमी लोग बैठा हुआ था, क्राइम मीटिंग लेता हुआ बड़ा अफसर बैठा हुआ था, डोगरा हुए हैं, कश्मीरी बैठा हुए हैं, कोई और पहाड़ी लोग बैठा हुए हैं, लेकिन वह अपना आदमी ना गोजरी मंगल करे में वह चीज़ उस तो बड़ा इंप्रेस हुए था। वह चीज़ मैंने इतनी अच्छी लगी उस शख्स की कि मेरा मम्मी और वो कम्प्लेक्स डेवलप हो यार मारी जबान तो पूरा बर्रे सगीर में बोली जाए तब ना किस चीज़ को कम्प्लेक्स। सुनकोट को कुछ दसो जी, तम उस इलाका का बसनीक हैं और उस इलाका का अफसर हैं अपनी बरादरी को, थारा जड़ा दादा साहब था वे भी एक एक्टिव जड़ा था वे मतलब उन्होंने काम कियो कौम वस्ते। राई साहब मेरा दादा साहब एक सोशल रिफॉर्मर था चौधरी लाल दीन साहब, हाँ लाल दीन भट्टी साहब मौलवी लाल दीन भट्टी साहब, और लसानवी साहब जड़ा गुजर गांधी कहलाए हैं, लसानवी साहब ने सुखी रोटी खा गए घोड़ा पर चढ़ गए तो लोगों की खिदमत की और हम लसानवी साहब की खिदमत नहीं भूल सकता जी जी। और लसानवी साहब की खिदमत की वजह तो चौधरी असलम साहब बिल्कुल 40 साल यानी वे अन वे बिल्कुल एक इलेक्शन आ रही है उन्होंने, लेकिन 40 साल वे उन्होंने नुमाइंदगी की है सुनकोट में और बरादरी बेहद प्यार कर रही थी उन्होंने इस वास्ते कि गुजर गांधी का बेटा था जी जी। और मेरा दादा साहब लसानवी साहब का राइट हैंड था उस ज़माना में, उन्होंने जी सोशल इविल थी समाजी बुराई थी गुजरा मान पड़ता थी, उस ज़माना में उन्होंने एक मुहिम चलाई गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनाई जिसका मियां निज़ामुद्दीन साहब प्रेसिडेंट था और चौधरी दीवान अली साहब की क़यादत में बनी थी रजौरी में, उसका वे सेक्रेटरी था और उस तो बाद उन्होंने भी एक उन्होंने पहचान जड़ी है वह हमारा खानदान वास्ते बहुत है। अब उन्होंने ना जो है वो हमारा खानदान वास्ते आज 70 साल बाद भी लोग उन्होंने बड़ा प्यार ना याद करें। तो सुनकोट एक बड़ो बैकवर्ड खितो है, इसमें वह जी तरक्की है वह होनी चाहिए थी वह नहीं हुई, आज भी सुनकोट में काम करने की बहुत ज़रूरत है, हमारा लोग बड़ा पिछड़े हुए हैं तालीमी लिहाज में, हमारा लोग बहुत पीछे हैं, बहुत कम गेस्टेड अफसर हैं हमारा गुजर खास का गुजर बरादरी का, हमारा दूजा पहाड़ी लोग उतरे हैं लेकिन वे काफ़ी एडवांस हैं, उन्होंने काफ़ी अफसर हैं,
तो उन्होंने तालीमी लिहाज में बहुत मारा तू अगे, लेकिन जित तक गुजर बरादरी को तलक है बहुत ही पसमानदा है। यानी ऊँ या समझूँ कि तहसील बुद्धल और दो तहसीलें, तहसील सुनकोट, ये हमारा इस जम्मू खिता में बहुत पसमानदा है, मेरा ये मनो है जी जी बहुत पसमानदा है। मतलब सड़क के लिहाज नाल, पुलों के लिहाज नाल और स्कूल के लिहाज नाल, समाजी तौर के ऊपर काम करने की जरूरत है।